बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नायला फैमिली व्लॉग में खुश आमदीद। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ और मैंने जो सामान वगैरह लिया है, लेना है बनाने के लिए पापड़ियाँ, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी और वीडियो भी बनाती रहूँगी। तो पापड़ियाँ इसलिए भी मैं बना रही हूँ क्योंकि काठियावाड़ी छोले मेरी शौहर की फरमाइश पे, पहले तो उन्हें नहीं पसंद थे, जब मैंने एक दफ़ा बना लिए तो उनको बहुत अच्छे लगे थे, तो अब मैं इसलिए सीख रही हूँ ताकि अच्छे से उनको पसंद आ जाए, अच्छी लगे पापड़ियाँ, क्योंकि अच्छी नहीं बनी थी इस वजह से। तो ये ले लिया है मैंने मैदा, और मैदा लिया है मैंने आधा कप, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि पहली दफ़ा बना रही हूँ तो फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि अगर ख़राब हो गई तो, इस वजह से मैंने आधा कप ये मैदा ले लिया है। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, ये बिल्कुल बारीक है, तो इस तरह से कि देखें। तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा क्योंकि दुकान से जो मैंने मंगवाया है तो बस मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने नमक शामिल किया है और थोड़ा सा ही मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी घी, और ताकि जब हम इसे बनाएंगे गूंदूंगी मैं इसको तो वो बहुत अच्छा से बन जाएगा, गूंदा जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये घी शामिल कर दिया है, ये देखें इस तरह से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका मैं एक डो तैयार कर लूँगी। तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मैं, ये देखें इस तरह से। इस तरह से इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो ये इस तरह से मैंने इसे गूंद देना है, तो ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा इस तरह से। व्यूअर्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते ही रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और मुझे कमेंट्स करके भी लाजमी बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से किनारों से ये आटा जो है सही से इसके साथ चिपका देंगे, साफ़ कर दिया। अभी ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे से हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से इसका जो इसे डो बनाएंगे इस तरह से, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बहुत ही अच्छा सा हो चुका है ये वाला डो, ये इस तरह से ये हो जाएगा। इसे रखना है मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए, मैंने इसे फ्रिज में रख देना है, तो ये इस तरह से फ्रिज में रखने से ये बहुत ही अच्छा सा हो जाता है और पापड़ी बनाने में बहुत आसानी होती है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखने के लिए ले जा रही हूँ। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने वो जो डो बना के रखा था मैंने निकाल लिया है। अब ये वाली जगह जो है इस पर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी, ऑयल को अच्छी तरह से इस पर लगा कर इस पर रोटी की शेप में मैं इसे बेल लूँगी। ये देखें ये वाला डो है, तकरीबन एक ही पेड़ा है ये, इसमें से तीन चार अच्छी तरह से इसको भी घी लगाऊंगी, ये मैंने बताना भूल गई थी, इसमें से तीन चार जो हैं पापड़ियाँ बन जाएंगी। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें ज़्यादा मैंने नहीं वो पापड़ियाँ बनाई, बस थोड़ी सी बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से, बहुत ही सॉफ्ट सा ये है और बहुत ही प्यारा सा ये बन चुका है और इसकी पापड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी इंशाल्लाह। सॉरी ये इसके साथ चिपक गया, चले ज़्यादा हो गया था।
तो इस तरह से कोई भी आपके घर में अगर कोई भी बर्तन है तो उसकी मदद से आप इसे गोल टिक्कियों की शक्ल में इसे काट लेंगे। तो पास गिलास है तो गिलास की मदद से मैंने इसे काट ली है। इसको दोबारा मैं पेड़े की सूरत में बना के रख दूँगी, फिर दोबारा इसे बनाऊँगी पापड़ियाँ। इसकी मैंने दोबारा पापड़ियाँ बनानी है। थोड़ी सी दोबारा मैंने इसको बेल दिया था और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी एक पैन में मैंने घी गरम करके रख दिया था, ऑयल को अच्छी तरह से जब गरम कर दिया था उसके बाद फिर मैंने इसमें ये वाली पापड़ी इसमें डाल दी। रोटी सी है लेकिन ये बाद में पापड़ी की शक्ल में बन जाएगी, बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी सी बनेगी। और दूसरी भी इसी तरह से इसमें मैं डाल दूँगी ये वाली। अब चिमटे की मदद से या किसी जो आपके पास बर्तन है उसकी मदद से आप इसे पलट दें। ये मैं बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले के लिए, जो पापड़ियाँ होती हैं उसको उसके लिए। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। घी को अच्छी तरह से झाड़ देंगे और इसे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बस इतना सा काम है और बहुत ही अच्छी से बनती हैं। जो बाज़ार की पापड़ियाँ होती हैं उससे ज़्यादा